छठ का पर्व है, काफ़ी संख्या में लोग मनाते हैं चंदौली जनपद में, बिहार से सटा हुआ इलाका है, तो सिक्योरिटी के किस तरह से इंतजाम हैं, क्राउड कंट्रोल किस तरह से आप लोग कर रहे हैं? देखिए चंदौली में बहुत जगहों पर, बहुत सारे तालाबों में, घाटों पे छठ का पर्व और नहरों में मनाया जाता है। जितना भी ट्रैफिक की व्यवस्था और जितने भी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, हम बहुत सारे रूट डाइवर्जेंस कर रहे हैं। जैसे आप ये रास्ता पीछे देख रहे हैं, यहाँ पे रास्ता हर साल बंद रहता है क्योंकि यहाँ बहुत रश हो जाता है, तो ट्रैफिक को देखते हुए पूरी मीटिंग करी गई है। अभी डीएम साहब के साथ भी अभी एक मीटिंग की गई है, जिसमें रेलवे सिक्योरिटी को भी देखते हुए जितने भी क्रॉसिंग्स हैं वहाँ पर जॉइंट पुलिस RPF और GRP का फोर्स लगा के बड़ी डिटेल में मीटिंग करी गई है। हर एक पॉइंट के ऊपर फोर्स रहेगा, जितनी ट्रेनें हैं उनकी जानकारी ली गई है, कितनी ट्रेनें निकलती हैं, वो भी लगभग 24 घंटे का वो रहता है। अगर आप 10 तारीख से लेकर 11 तारीख तक देखिए तो 24 घंटे हमारी ड्यूटी रहेगी, 10 तारीख से लेकर दोपहर के 12 बजे से लेकर 11 तारीख तक, तो उसमें पूरी ड्यूटी रहेगी। और उसमें जितनी ट्रेन हैं उसको भी देखते हुए उसमें पूरी फोर्स रहेगी, ताकि कोई भी ऐसे हादसा ना हो सके और सारी सुरक्षा को ओवरऑल देखा जा रहा है। तमाम अनमैन क्रॉसिंग है जनपद में, वहाँ पर किस तरह की व्यवस्था रहेगी और घाटों पर किस तरह की सिक्योरिटी रहेगी? देखिए हमारा हर एक अनमैन क्रॉसिंग के ऊपर हम एक PA सिस्टम लगा रहे हैं, लोगों से मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो प्रॉपर रास्ते बनाए गए हैं उसी को यूज़ करें। जैसे पीछे रास्ता है इसका फ्लाईओवर के ऊपर से आए, नीचे से क्रॉस करके इस तालाब की तरफ ना आए, तो वहाँ पे ड्यूटीज़ रहेंगी हर एक पॉइंट के ऊपर। और कोशिश यही रहेगी कि आप जितनी भी ट्रेन हैं DRM साहब से रिक्वेस्ट की गई है कि उनकी गति थोड़ी सी कम की जाए और वो हॉर्न जाते हुए निकलें, ताकि लोग अलर्ट रहें, हमारी फोर्स भी रहेगी मौके के ऊपर, वो विजिबल भी रहेगी। तो सभी जनपद की जितनी फोर्स है, कल जितने कक्ष हैं हमारे, एक शाखाएँ रहती हैं, सबकी ड्यूटी लगाई गई है और कोशिश यही रहेगी सारा फोर्स विजिबल रहे और ग्राउंड पर रहे। जो बड़े गहरे तालाब हैं या नदी किनारे गंगा को, क्या वहाँ NDRF की टीम रहेगी? हाँ, NDRF से बात की गई है, उनकी टीम रहेगी, क्योंकि तो जितने भी सेफ्टी सिक्योरिटी इश्यूज को लेते हैं उनकी इसमें स्पेशलिटी रहती है, तो इसको भी इंश्योर कर रहे हैं। छठ का पर्व है तो किस तरह से इंतजाम किए गए हैं, साफ सफाई, साथ ही कोविड का भी दौर है, तो किस तरह से इंतजाम किए गए हैं पूरे जनपद में? जनपद चंदौली में छठ का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और कोविड के बाद ये छठ आयोजित हो रहा है। इसमें जो हमारे जितने भी तालाब हैं, पोखरे हैं और जहाँ नहरें वगैरह हैं, जो घाट हुए हैं उनकी साफ सफाई का बृहद अभियान चलाया गया है, वहाँ पर चूना वगैरह के डलवा के साथ ही रोशनी और की भी पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है, गोताखोरों की व्यवस्था भी रहेगी और इसमें वॉलंटियर्स का भी सहयोग लिया जा रहा है जो लगातार इस पर सतर्क दृष्टि रखेंगे। बैरिकेटिंग की जा रही है ताकि लोग गहरे पानी में ना जाएं और अपने छठ पर्व का आयोजन सफलतापूर्वक हो सके। इसके लिए रेलवे के अधिकारियों के साथ भी आज मेरे और पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा संयुक्त बैठक की गई है। इसमें चूँकि रेलवे लाइन के किनारे काफ़ी सारे आयोजन स्थल हैं और ये मानसरोवर स्थल जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर तहसील में है, महत्वपूर्ण स्थल है, बहुत भारी संख्या में लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं, तो रेलवे की जो भी ट्रेन निकलेगी उनके कॉशन भी रहेगा। इसके बाद स्पीड लिमिट के अतिरिक्त RPF और GRP का भी सहयोग इसमें रहेगा और ज्वाइंट ड्यूटी रहेगी। और लोगों से लगातार ये अपील भी पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा कि जो रेलवे क्रॉसिंग है उसको क्रॉस ना करें और सतर्क रहें, सावधानीपूर्वक रहें। इस तरह से जो ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में सभी जगह हमारे जो पर्व की आयोजन की तैयारियां हैं वो संचालित की जा रही हैं और इसमें जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के साथ साथ रेलवे का भी कोऑर्डिनेशन है, वो महत्वपूर्ण रूप में हो रहा है।